दुनिया जीतने निकले सिकंदर यानी अलेक्जेंडर को एक जगह न सिर्फ रुकना पड़ा बल्कि उस जगह से उसे भागना पड़ा। वो जगह थी भारत और भारत के एक राजा ने उसे लौटने पर मजबूर कर दिया था। उस राजा का नाम था पोरस। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मिथक टीवी में। भारतीय सभ्यता और इतिहास से जुड़ी कहानियों के लिए हमें सब्सक्राइब करें। राजा पोरस और सिकंदर की कहानी काफी मशहूर है, जिसे न केवल ऐतिहासिक लेखों में बल्कि लोक कथाओं में भी इन दोनों के बीच हुए युद्ध की कहानी के रूप में याद रखा है। यूनानी यानी ग्रीक इतिहास में सिर्फ सिकंदर की प्रशंसा नहीं है बल्कि महान राजा पोरस की भी प्रशंसा की गई है। तत्कालीन भारत में मगध साम्राज्य सबसे ताकतवर साम्राज्य था, पर फिर भी राजा पोरस आज इतिहास में अमर हो चुके हैं दुनिया जीतने वाले सिकंदर को अकेले रोकने के कारण। राजा पोरस पौरो राज्य का राजा था। साधारण तौर पर यह साम्राज्य झेलम और चिनाब नदियों के बीच फैला हुआ था। राजा पोरस एक चंद्रवंशी राजा था जो राजा ययाति के वंशज थे। पौरो राजाओं के बारे में एक बात जान लेनी चाहिए, अगर आपने अंग्रेजी सिनेमा 300 देखा है तो आपको फारसी राजा देरियस और जर्गसिज याद ही होंगे। पौरो ही वो शासक थे जिन्होंने फारसी राजाओं देरियस और जर्गसिज को युद्ध में बुरी तरह पराजित किया था, और साइरस द ग्रेट इन्हीं युद्धों में भारतीय योद्धाओं के साथ युद्ध करते हुए मारा गया था। साल था ईसा पूर्व 328। बेबीलोन जीतने के बाद सिकंदर का अगला निशाना भारत की ओर था, और ईसा पूर्व 327 तक सिकंदर ने भारत में अपना राज्य फैलाने का पूरा इरादा भी बना लिया था। अब सिकंदर की सेना लगभग 40,000 पैदल सेना और 50,000 घुड़सवार हो चुकी थी। साथ ही उसने तक्षशिला में अंबी राजा के साथ संधि कर उसकी सेना को अपने साथ मिला लिया था, और अब वो पूरी तरह से तैयार था पोरस जीतने के लिए। बसंत ऋतु की शुरुआत में सिकंदर ने अपना डेरा झेलम नदी के किनारे डाल दिया। दूसरी तरफ पोरस ने अपनी सेना को झेलम नदी के दक्षिण किनारे पर खड़ा रखा। झेलम नदी इतनी गहरी है कि अगर कोई भी इसे पार करने की कोशिश करे तो अपनी जान से खेल रहा है। अब सिकंदर जान चुका था कि पोरस की युद्ध नीति और झेलम के कारण काफी बड़ी सेना होते हुए भी सीधी लड़ाई में विजय होने के आसार कम ही है। उसने धीरे धीरे छोटे छोटे टापुओं के जरिए सेना को झेलम पार करा दिया। ईसा पूर्व 326 झेलम का युद्ध। सिकंदर और पोरस आमने सामने खड़े थे। सिकंदर की विशाल सेना को पोरस की सेना ने और खासकर हाथियों ने चीटियों की तरह रगड़ना शुरू कर दिया, पर सिकंदर और अंबी की मिली सेना काफी बड़ी थी और अंत में राजा पोरस की हार हुई। यूनानी ग्रंथों के अनुसार इस युद्ध में मैसेडोनिया का विजय हुआ, पर कुछ इतिहासकारों की माने तो युद्ध अनिर्णित रहा था और इसी कारण सिकंदर को वापस लौटना पड़ा था। चाहे जो भी हो, सिकंदर की सेना के हौसले टूट चुके थे। अब वो आगे बढ़ना नहीं चाहते थे। भारत की वीरता का डर उनके दिमाग में बैठ चुका था, और इसी डर के कारण सिकंदर पोरस के राज्य पर प्रशासन नहीं कर पाया। उसने राजा पोरस को अपना साम्राज्य वापस लौटा दिया, और साथ ही व्यास नदी के किनारों वाले इलाके उसे सौंप दिए गए। देखा जाए तो युद्ध के बाद पौरों का राज्य विस्तार हुआ था। ये बात ये साबित करती है कि भारतीयों का कितना डर था ग्रीकों के बीच। अगर पोरस और सिकंदर का युद्ध नहीं होता तो भारत के इतिहास में सिकंदर भी एक शासक के रूप में गिना जाता, जो शायद थोड़े से तो भारत पर जरूर कब्जा कर लेता। लेकिन पोरस के साथ युद्ध में सिकंदर को मुंह की खानी पड़ी, और काफी नुकसान के साथ और अनेकों घायल सैनिकों के साथ झेलम नदी को पार किए बिना उसे वापस अपने देश लौटना पड़ा। अगर आपको हमारा ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो हमें जरूर सब्सक्राइब करो और कमेंट और लाइक कर हमारी प्रेरणा बनाए रखें।